हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पीक क्रिएटिविटी पर। आज बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिवन प्लांट। ये एक शो प्लांट है। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत बनती है। ये स्पाइडर प्लांट जैसा दिखता है बट है नहीं। स्पाइडर प्लांट से इसकी लीव्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल मिक्सचर की। इसके लिए हमें 30% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, कंपोस्ट में हम नीम के वर्मी कंपोस्ट और काउडंक यूज़ करेंगे और 10% हैंगिंग बास्केट के लिए कोकोपीट यूज़ किया है। ये एक शेड लविंग प्लांट है। सुबह मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप इसके लिए सफिशेंट है। अगर हम इसे ज़्यादा तेज़ धूप में रख देते हैं तो इसके पत्तियों के एडेज जलने लग जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे। रिवन प्लांट में समर्स में 2 बार वाटरिंग की ज़रूरत रहती है। विंटर्स में जब हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी सॉइल ड्राई है तभी हमें वाटरिंग करनी है, अदरवाइज इसमें जल्दी वाटरिंग नहीं करनी होती। रूट के पास से ही हम नया प्लांट ले सकते हैं और जब इसमें रूट बाउंड हो जाती है तब बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन इसका देखने को मिलता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो रिवन प्लांट को बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा पॉट रूट से पूरी तरीके से बाउंड हो जाता है, जब इसकी हम मिट्टी चेंज करते हैं तब हम जो सॉइल मिक्सचर यूज़ करते हैं उसमें जो कंपोस्ट होता है वो इस प्लांट के लिए सफिशिएंट रहता है। इसमें मैं एक बात और आपसे कहना भूल गई, अपने कंपोस्ट में मैं 1 मुट्ठी नीम केक भी मिलाती हूँ जिससे मेरे प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता और सॉइल भी मेरी बढ़िया रहती है। रिवन प्लांट को कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। मैंने यहाँ मेरा ये पॉट डायरेक्ट सनलाइट में रखा रह गया, इससे इसकी काफ़ी एडेज जल चुके हैं और जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ। पर ये थोड़े दिनों में अपने आप अच्छा हो जाएगा प्लांट, बट ड्राई लीव्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। रिवन प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है जो ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता है और उससे इस प्लांट की ग्रोथ भी रुकती है। तो जब भी आपके प्लांट में फ्लावर आए आप उसे पिंच कर दें और आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।